ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास। एज वी नो, मैंने आपको बोला था कि अपन डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेट करेंगे थोड़ा, ठीक है? तो आज अपन डिफिकल्ट क्वेश्चंस उठाते हैं। तो अपन सबसे पहले कर रहे हैं थ्योरम 13.4। थ्योरम 13.4 के अंदर क्या है? एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है? तो इसके हिसाब से क्या है, पीक्यू एक कॉर्ड है, सॉरी टेंजेंट है, एक कॉन्टेक्ट पॉइंट है, ये मैंने ट्राइंगल बना दिया है इससे। तो इसका राइट वाला एंगल इसके लेफ्ट वाले एंगल के इक्वल होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। आप बोलोगे सर आपने एंगल 2 और 4 तो बनाया ही नहीं, तो ऐसा है वो मैं अभी बनाऊंगा। पहले आप इसको समझ लो, मैंने पूरा फिगर नहीं बनाया क्योंकि बच्चों को इसलिए तो ये वाला मतलब क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है क्योंकि एंगल 2 और 4 को है ना उनको प्रूफ करना नहीं आता। तो पहले 1 और 3 को प्रूफ करते हैं। मैंने कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन में क्या किया, यहां पर गलती से वाला मतलब यहां पर अपन एक डायमीटर बनाया, डायमीटर बनाने के बाद उसको जोड़ दिया, ठीक है? तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है? इसको आप दे दो एंगल 4 टू फोर तो हो गया ना 5, ठीक है? तो यहां पे देखिए एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन अ सेमी सर्कल, ठीक है? एंगल भी 90 हो गया। इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 इस वाले ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ए ई बी एंगल 5 प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल बी ए ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है? ट्राइंगल में तीन एंगल सम, देखिए छोटा सा एंगल बनना है ना, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? एंगल 5 प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल बी ए ई अपनी जगह रहेगा, सॉरी एंगल 5 अपनी जगह रहेगा, 90 उधर चला जाएगा, तो 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 बच जाएगा, माइनस एंगल बी ए ई, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ रही है, ठीक है? अब देखिए एंगल 5 और एंगल 3 इक्वल होंगे, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, सेकेंड इक्वेशन, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है? उसके बाद अपने पास आ जाएगा एंगल 5 3 इक्वल हो गए, ये 180 और 90 माइनस एंगल बी हो गया। अब देखिए ये ओ से लेकर ए तक रेडियस है, सिंस ओ ए इज रेडियस, देयरफॉर ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो अपन कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल बी ए ई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल बी ए ई, क्वेश्चन वाली थर्ड है। देखो यहां पर क्या है, एंगल 1 और बी ए जो एंगल है ना, इन दोनों एंगल ये 90 डिग्री बना रहे हैं। देखो ये परपेंडिकुलर है ना, ओ से लेकर ए तक परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है? तो इन दोनों एंगल सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो आप यहां पर एक चीज देखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड के हिसाब से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
सेकंड एंड थर्ड। देखिए पहले तो एंगल 1/5 इक्वल होगा, 90 माइनस बी ए, इसकी वैल्यू में 90 माइनस एंगल बी ए है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक है, ये लिख रहा हूं आपको नहीं लिखना, और चलो आप भी लिख लेना कोई दिक्कत नहीं है, और एंगल 1/5 इक्वल होंगे ही होंगे, तो आप 5 देखिए किसके इक्वल है, ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये चीज तो आपकी प्रूव हो गई, ये 5 और 3 इक्वल है ना, तो एंगल 1 को 5 के इक्वल करो चाहे एंगल 1 को 3 के इक्वल करो, बात एक ही है, पहली चीज तो हमने प्रूव कर दी, ठीक है। अब दूसरी चीज प्रूव करते हैं, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब है ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ना तो एंगल 2 दिख रहा है ना एंगल 4 दिख रहा, बच्चों मैं इसको मिटा रहा हूं, आपको नहीं मिटाना, आपको पुराने फिगर जो बनाना है ना वो पुराने फिगर जैसा ही बनाना है, और उसमें ये और ऐड कर देना है, ये एंगल 4 है आपका, ठीक है, और ये एंगल 2 है आपका, ये जो लाइन है ना ये वाली, एंगल 2 यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका और यहां पे खत्म हो रहा है, ये पूरा एंगल 2 है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। तो इसको करते हैं, या तो आप देखिए सिमिलरली करके कर सकते हो अगर आपका मन है तो, क्योंकि वैसे ट्राइंगल बन रहा है जैसे बन रहा था, ठीक है, तो सिमिलरली करके कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसका रीजन होगा लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, तो एंगल 1 और 2 का सम 180 है, तो यहां पे 1 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं 3, और एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये फोर्थ इक्वेशन, और एंगल 3 प्लस 4 का सम भी कितना होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, इनका सम भी 180 होगा, ठीक है, सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2, 3 से 3 कट गया, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, ये प्रूफ कर रहा था अपन को, ठीक है, तो ये इसका पूरा फिगर है, आप देखो फाइनली मैंने पूरा फिगर बना दिया। अब बोलोगे सर आपने पहले ही क्यों नहीं किया, पहले भी तो आप ये चीज कर सकते थे, बेटा मैंने पहले इसने नहीं किया क्योंकि है ना ये जो ट्राइंगल है ना ये इस वाले ट्राइंगल को कंफ्यूज करता है, इस वाले ट्राइंगल को, ठीक, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में एज इट इज आ सकता है, आपको है ना 6 नंबर के लिए स्टेटमेंट लिखना होगा पहले थ्योरम का, ठीक है, उसका टू प्रूफ लिखना पड़ेगा, गिवन है तो कुछ गिवन लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन किया वो लिखना पड़ेगा, और उसके बाद क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4, बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है,
इज इक्वल टू 1/6 ऑफ ए बी। बेटा ये आर दिया हुआ है स्मॉल आर, आर इज इक्वल टू 1/6 ऑफ ए बी हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो यहां पर ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, और मैं इसको इतना इजी तरीके से करवाऊंगा ना कि आप बोलेंगे हाँ सर मान। ठीक है, ऐसा है हमें इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाना है तो हमें इसके तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है आपको, इसको मान लीजिए आप a मान लीजिए, इस पूरी साइड की लेंथ a मान लीजिए, ठीक है, इस पूरी की लेंथ a मान ली। तो यहां पर दो सेमी सर्कल बन रहे हैं, तो बेटा ये इसका मिड पॉइंट हो गया, तो यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा, ये a अपॉन टू हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा a अपॉन टू। और फिर अपन ने क्या कर लिया, फिर एक और सर्कल बना दिया यहां से, तो सी से लेकर एम तक और हाफ हो जाएगा, मतलब ए अपॉन फोर। मेरी बात आपको समझ में इतनी जल्दी आसानी से नहीं आ रही होगी, मैं बताता हूं, जब भी किसी चीज का हाफ करते हैं तो उसके अपॉन में टू लगा देते हैं, तो मैंने इस लाइन का हाफ किया ए से लेकर एम तक, ये हो गया वन ए अपॉन टू। फिर मैंने ए अपॉन टू को और ऑफ कर दिया, तो उसको और ऑफ करते ही ए अपॉन टू के नीचे में एक और टू लगा दूंगा तो ए अपॉन फोर हो जाएगा, ठीक है, ये है। तो ये सी एम हो गया ए अपॉन फोर, बेटा ए अपॉन फोर आ गया अपना, ठीक है। फिर उसके बाद अपने पास ओ एम आ गया, ओ एम की लेंथ कितनी होगी, देखिए ओ एम की लेंथ कैसे निकालेंगे, ओ एम यहां से यहां तक देखिए बेटा, बहुत कंफ्यूजन होगी वैसे आपको, बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस कितना है, ऐसे ही बना दो ना ट्राइंगल, देखिए यहां पे कंपास रखोगे, यहां पर पेंसिल रखोगे, अगर ऐसे बनाओगे तो बड़े वाले इसका रेडियस कितना है, ए से लेकर एम तक रेडियस है, ठीक है। तो ए से लेकर एम तक रेडियस है मतलब इसकी लेंथ कितनी है, ए अपॉन टू। तो एम से लेकर आर तक भी कितनी होगी, ए अपॉन टू, क्योंकि सेमी सर्कल का रेडियस है। लेकिन हमें क्या चाहिए, ओ एम, तो एम आर में से आपको छोटा वाला आर माइनस करना पड़ेगा, तो ये ओ एम आ गया। उसके बाद कौन सी साइड बच गई, ओ सी, ओ सी इज इक्वल टू, तो ओ सी आपके पास आ जाएगा आर, इसका रेडियस छोटा वाले सर्कल का रेडियस कितना है, स्मॉल आर, प्लस पी से लेकर सी तक कितना होगा, देखिए मैंने यहां से बनाया सी एम रेडियस मान के बनाया ये सेमी सर्कल, तो इसका होगा सी एम की लेंथ कितनी थी, इतनी ए अपॉन फोर, तो ए अपॉन फोर प्लस आर, ये आपके आ गई इन तीनों साइड्स की लेंथ, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं एक बार, यहां पर इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, यहां पर उन्होंने लगाया है अपने OC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो OC स्क्वायर कितना है, A अपॉन फोर प्लस R का होल स्क्वायर, ए अपॉन टू माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस
अपॉन फोर का स्क्वायर। तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ बच्चों, है ना, ये तो आपका समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमें थोड़े स्पेस की जरूरत पड़ेगी, मैं इसको इधर सॉल्व कर रहा हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया यहां पर, तो ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू में ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहां पर, प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 16। तो देखिए ए स्क्वायर अपॉन 16 से ए स्क्वायर अपॉन 16 कट जाएगा, प्लस के आर स्क्वायर से प्लस का आर स्क्वायर कट जाएगा, यहां पर इसको काटो 2, तो ए आर अपॉन 2 बच गया, इज इक्वल्स टू यहां पर 2 से 2 कट गया, ए स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ए से आर को मल्टीप्लाई करो ए आर। ठीक है, अब अपन को प्रूफ क्या करना है उसके हिसाब से हम देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इसको। 1/6 ऑफ ए बी, इस को टर्म को इधर ले आओ। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों किया आपने, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, ए आर अपॉन टू प्लस ए आर अपॉन वन इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन फोर, टू एलसीएम आ जाएगा, 1 ए आर प्लस 2 ए आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन फोर, 3 ए आर अपॉन टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन फोर। ठीक है, ये कट गया 2 times। ठीक है, अब बोलोगे सर ऐसे कैसे काट रहे हो, हमेशा नीचे से ऊपर कटता है, नीचे से ऊपर कटता है जब सेम साइड पे होते हैं, जब अपोजिट साइड में होते हैं ना तो नीचे से नीचे भी कट सकते हैं। इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 6 ए आर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यू आर ए स्क्वायर अकेला बच गया तो इसको भी दे ले आओ, माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बच गए इधर। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, कॉमन क्या आ रहा है यहां पे, ए कॉमन आ रहा है, तो 6 आर माइनस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस वाले ए को नीचे ले जाओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा जाके, 6 आर माइनस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो आर इज इक्वल टू ए चला जाएगा बेटा माइनस से लेकर प्लस में, और 6 चला जाएगा नीचे। ठीक है, तो ए की वैल्यू अपन ने क्या ली थी, जो ए जो अपन ने वैल्यू ली है किसकी वैल्यू है, ए हमारी है पूरी, जो अपन ने ए भी ली थी ना इसकी वैल्यू थी। आप अपने फिगर बना जो आपने बनाया ना उसमें देखिए, जो ए जो है ना उन्होंने पूरी जो ए बी लेंथ थी ना उसकी वैल्यू ली है ए, तो इसको लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 1/6 ऑफ ए बी, यहाँ पर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए आप पूछेंगे सर हमें है ना बहुत कम समझ में आ रहा है, फिर हमें ऐसा है हमें वैसा है, सर इतना लेंथी क्वेश्चन है, तो देखो ऐसा है बच्चों इस वाले क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं पहली बात तो, लेकिन अगर आता भी है तो देखो इसमें यही है, ये हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन से थोड़े से है ना, यहां पर आपको खुद को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बस यही है, आपको थोड़ा दिमाग लगाएंगे तभी आएगा, थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए,
एक एक लाइन को समझिए, अगर आपको कोई तरीका लगता है कैलकुलेशन में आप कर सकते हैं तो आप करिए, ठीक है। सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस चैप्टर विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम नेक्स्ट द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।